खुशहालियां जिंदगी में भरे। ऑलराइट, वन सेकंड। साथ मिलके चले ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियां जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए साथ मिलकर चले ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियां जिंदगी में भरे। चलो अपना हाथ बढ़ाए एक दूजे के काम आए डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए एक दूजे के काम आए डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। साथ मिलकर चले ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियां जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए साथ मिलकर चले ऐसी राह चुने साथ मिलकर चले ऐसी राह चुने। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नए साल की एक और शाम जो आपके साथ कैनॉट प्लेस में। अब तो लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा हो गया है भैया जी। मैंने कहा क्यों अच्छा हो गया है? बोले शाम को रोज आपसे यही मुलाकात होती है, आप टूर पे चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता कैनॉट प्लेस की शाम, और सर्दी की हो ठंड की हो तो और क्या कहना। बहरहाल आज तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ने के लिए मैं जरूर हूँ। कहिए तरुण जी, कितने साल बाद आना हुआ आपका? सर लगभग 2019 के बाद ही आया हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात, कोरोना के समय में था आप नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। और आपका सामाजिक कार्य चल रहा है बढ़िया सर? आपके आशीर्वाद से यहीं से आपसे सीख रहा है कैसे करना है और रियलिटी सच्चाई दिखानी। हमसे थोड़ी ना सीखा, मैं भी सीखने वाला इंसान हूँ, रोज सीखता हूँ तरुण जी। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन कहते हैं ना सीख जिससे सीखिए उसका भी नाम लेना, वरना तो फिर इसमें। बड़े ईमानदार आदमी है, आज तो आदमी तो पता चले सीढ़ी पे चढ़ रहा और नीचे वाली सीढ़ी खींच देता है, गया वो नीचे सब धड़ाम से गिरा जाके। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से, और आपका कहाँ से आना हुआ? दिल्ली। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, पूनम जी क्या करती हैं आप? जॉब। जॉब, बहुत अच्छा बात। पहली बार आई हैं शो में? ठीक है, पहले तो इस पहली बार जब शो में आता है आदमी तो थोड़ा देखता है, फिर एक दो बार आता है तो फिर बढ़िया हो जाता है। और आपका कहाँ? अरे बड़ा पर्स वर्स खरीद डाला आपने तो, जबरदस्त एकदम, एक दो तीन। अच्छा ये आगे वाला किसके लिए लिया है? अपने लिए। अब पीछे वाला बदल देंगी आप? बदल देंगे। अब आप फेंक देंगे कि किसी और को दे देंगे? नहीं, दे देंगे। हाँ और क्या, दे देना चाहिए। कहाँ से आना हुआ? बांदा से। बांदा, बांदा उत्तर प्रदेश चित्रकूट के बस बगल में है ना? वाह बहुत जय, वाह क्या बात है। तो साहब बांदा से आए हैं? बांदा मेरा जाना हुआ है, बांदा में मैंने शो भी किया है, तो कुछ कहना चाहते हैं सर? पुरानी पेंशन का मुद्दा चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। अरे हिमाचल में सब दिखा दियो, अब कह रहे हो यहाँ भी हो, आएगा आराम से आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप लोगों ने माहौल तो बना ही दिया है। ये दो मोबाइल का है लेके चले हो, एक तो समझ में आता है, दो क्यों? बस ऐसे ही लेके चले। अच्छा बहुत अच्छी बात बेटा, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, क्या बात है सूरज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के, मैं समझ सकता हूँ। ये दोनों तुम्हारे ही हैं? नहीं, एक भैया का है। एक भैया का है, तो एक भैया के लिए और एक अपने लिए, ये बताना चाहिए था। तो कुछ कहना है कि बस अभी शूट करना है? बस शूट ही करना। अच्छा तुम करो शूट, मुझे मालूम है तुम्हें शक्ल मेरी देखनी है बस बस। हाँ जी, ये क्या लिया है?
ये क्या है? ये केसर है, है? केसर केसर है क्या बात है। मैं आज किसी से कह रहा था कि कश्मीर से कोई जने आ रहे हो तो फिरन लेते आए मेरे लिए, ठंड लगती है आजकल, तो कह रहे थे कि इंतजाम करते हैं आपके लिए। देखिए केसर आ गई कश्मीर से। वाह जी मैं आ रहा हूँ बेटा, धैर्य रखो, ऐसे नहीं बुलाते, अर्जेंट है। गजब है भाई, कह रहे हैं अर्जेंट है, तो अगर अर्जेंट है तो थोड़ा वेट करो बेटा, मैं आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ तुम्हारे पास। कहाँ से आना हुआ आपका? कश्मीर से आए। कश्मीर, देखिए कश्मीर, केसर पहले आती है कश्मीर से, खुशबू पहले आती है और उसके बाद जो है कश्मीर के लोग दिखते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत नया साल बहुत मुबारक हो। क्या नाम है आपका? रुबीना, एडवोकेट रुबीना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो, बहुत अच्छा लगा मुझे। और श्रीनगर में रिहाइश है? नो आई एम फ्रॉम कुपवाड़ा। मैं कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा से आप भी? जम्मू से, जम्मू से आप? हिंदवाड़ा खड़ा हुआ है, कुपवाड़ा खड़ा हुआ है, जम्मू भी खड़ा हुआ है, और केसर मेरे पास है, खुशबू मेरे पास है साहब। क्या बात है साहब, आप लोगों का जो ये आना होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, ये शो को कलर जो है आप ही देते हैं। यकीन मानिए ये जगह की कोई खूबी नहीं है कि जो यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ तो इस जगह से, ये तो यहाँ से नहीं तो वहां जाके खड़ा हो जाऊं, वहां जाके वहां खड़ा हो जाऊं, दो दस दिन बाद आप वहां जाएंगे, आने लगेंगे ना। सर तो ऐसा हिला रहे हैं जैसे सारा कहना मेरा ही मानते हैं आप, यहाँ ही हाँ हाँ कर रहे हैं आप। थोड़ा ऑडियो नीचे डाउन करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस गौड़। प्रिंस गौड़, आज आपसे पूछेंगे जरूर, पहले इम्तहान ले रहे थे, देखा दस दिन ठीक है पास हो गए, अब आपसे पूछेंगे। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं बस आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनाब? कुछ बोलिए, जरूर बोलिए, थोड़ा जो अच्छा लगेगा मुझे कि ये कश्मीर से भी एक वॉइस आई, तो मुझे अच्छा लगता है जब कश्मीर से कोई बात आती है या कोई बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हैं? मैं बदरपुर से रोज आ रहा हूँ। तुम तो अपना जो है ना मुंह और जबान सिलवा लो, क्या करवा लो? सिलवा लो, बाकी लोग खुलवा ले। हाँ उनकी तो खुली, चला करो। मैं तो बोलूंगा। नहीं बोलोगे तुम, चुपचाप खड़े रहो। जी वो हमारी इनकी नोक झोंक लोगों की चलती रहती है और ऐसे ही चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आपका मूड बने, जब आपको लगे कोई मुद्दा तो जरूर बोलिएगा। और आपको ठंड नहीं लग रही है? नहीं ठंड नहीं लग रही सर। अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मैंने तो सिर्फ आजकल तो किसी से ये पूछो कि ठंड नहीं लग रही तो कहेगा नहीं लग रही, और अगला सवाल मैं नहीं पूछता किसी से ना। जी क्या नाम है आपका साहब? जेपी दुबे सर। जेपी दुबे साहब कहाँ कह रहे हैं? यूपी के। यूपी के हैं सर। यूपी में कहाँ से? बनारस से। ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठंड नहीं लगेगी आपको। नहीं नहीं सर, खाए पिए आदमी हूँ सर, ठंड क्या लगेगी? वजन कम करिए, खाए पिए आदमी, वजन कम करना, बिल्कुल कम करिए, और कम से कम आपको 40 किलो कम करना चाहिए। जी जी सर करेंगे। मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बोलना ऐसे ही बोलते रहे ना जैसे धर 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 धर, तो 15-20 किलो तो वैसे ही कम हो जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आज तारुफ करा देता हूँ। प्रेम कुमार जी हमारे साथ आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद भाई। हफीज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठंड तो नहीं लग रही है सरवर साहब? ठंड तो नहीं लग रही है? मुझे तो ठंड लग रही है। लग रही है तो मैंने आप ही के लिए कहा था, कश्मीर से कोई आए तो फौरन मंगवाएं आपके लिए, मैं आप ही के लिए मंगवाना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ बिल्कुल टाइट होके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनको ठंड नहीं लगती, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं, डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक दो लोग और हैं जिनसे बातचीत करनी चाहिए। आप कहाँ से आए साहब? मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ, जिला हरिद्वार। उत्तराखंड से हैं जी। जोशीमठ का मुझे मुद्दा बार बार, कल भी मैंने बोला था आज भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ज्योतिर्पीठ है, शंकराचार्य की पीठ है जो उन्होंने चार स्थापित किए उसमें से एक वो भी है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना बॉर्डर पे है, जो जमीन धंसने की बार बार रिपोर्ट आ रही है, दरार आई है 450 मकान में जोशीमठ में। सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी एक कमेटी बनाई है, लेकिन उस दरार में अब पानी भी आ रहा है, और वो शहर इतनी बड़ी आबादी झेलने के लिए पहले भी तैयार नहीं था। जो गए हैं जोशीमठ, जो रह रहे हैं जोशीमठ को, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहेंगे। जी बोलिए। मेरा किसान के
पर्पज से किसान बड़ा परेशान है, बेरोजगारी, लड़के युवा लड़के बीटेक पॉलिटेक्निक करके रोडों पे धक्के खा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आपके मीडिया माध्यम से जी, इन युवाओं को नौकरी दी जाए जो बेचारे बेरोजगार, रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा है आपका, और जो धक्के खा रहे हैं आपका कहना है बच्चे, उनको नौकरियां दी जाएं। जी तो इस तरह से मिलेगी कि पहले तो तुम एक काम करोगे, नौकरी करो चाहे ना करो, लेकिन तुम बात करो चाहे ना करो, एक काम करोगे मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन गोस्वामी, और अगर वो काम ना कर पाओ, कूड़े की बात कर रहा हूँ मैं, कूड़े की बात जरूर करो, लेकिन एक बात मैं और कूड़े की, मैं भी बात कर रहा हूँ कूड़े की, तुमको देख के याद आ गया कूड़े की बात। नहीं नहीं, तुम कूड़े की बात कर रहे हो, मुझे तुम्हें देख के कूड़े की बात याद आ गई। कूड़ा खरीद रहे जा रहे सरकार, तो कितनी नौकरी मिल सकती है? एक किलो कूड़ा अगर रोज कितना भरेगा ट्रक में, और कितना होगा, गलियां भी साफ होगी, हर चीज भी होगी, अरे सरकार मुद्दा उठाए ना तो कितनों को नौकरी मिल। क्या नाम है आपका? अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन गोस्वामी, आप कह रहे हैं कूड़ा खरीदना शुरू करे सरकार। सरकार 1 रुपए किलो या 50 पैसे किलो। और मैं ये कहता हूँ कि जो कूड़ा लोग निकालते हैं वो थोड़ा कम निकालना शुरू करें तो भी। नहीं नहीं नहीं, 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 आप अपनी बात, अरे गोस्वामी जी आप नाराज ना हो, आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। कूड़ा का बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में मुद्दा है इस समय कचरे को लेकर, पूरी दुनिया बात कर रही है कचरे को लेकर। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था गोस्वामी साहब, ये जो मुंह में कचरा आप डाले हैं ना, कसम से मन करता है ना यही ले जाए गर्दन जाए और यही लपड़ जाए। तो ले कचरा, आधा किलो जो कचरा खा के, और 3 किलो तुम भी खाते हो बादाम खा रहे, आए वो मेरे डर से वो कचरा भी बादाम हो गया होगा, ये पता नहीं क्या कह दें, ये बहुत अच्छी बात है। ये कचरा चले गए गोस्वामी साहब? हाँ चले गए होंगे। जो 3 किलो कचरा खा के जो 4 किलो कचरा रोज निकालते हैं लोग, तो गृह मंत्री साहब ने कहा त्रिपुरा में रैली में कि वो जमाने लद गए जब विपक्ष कहता था कि रामलला हम आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, अब हम तारीख बता रहे हैं 1 जनवरी 2024, हम मंदिर वही जो बनना था वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो आज उन्होंने तंज कसा, राहुल गांधी की तरफ इशारा किया और कहा कि जनाबे आली ये बताइए अब तो मंदिर तैयार है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया और उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां, आपने कहा था बेरोजगारी, तमाम सारी फेहरिस्त जो उधर से किसान की और तमाम सारी बातें कही थी, आए दुगनी वाली बात, तमाम सारी फेहरिस्त कांग्रेस की तरफ से आ गई। मुद्दा ये है, लेकिन एक साहब कल भी आए थे लौट गए थे, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी, जी सर। हाँ। जी सर, मैं सासाराम बिहार से आया हूँ जी, और डाकघर का अभी करता हूँ। हाँ। मतलब पोस्ट ऑफिस एजेंट के नाम से जो पूरे देश में विख्यात हैं। हाँ। और हम सर 35 साल से पोस्ट ऑफिस में एजेंसी का काम करते हैं, हमारा एक नेशनल यूनियन भी है NSSI के नाम से जी। तो हम सरकार से और आपके द्वारा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज के जमाने में सबकी आमदनी बढ़ते जा रही है, 2 गुना 4 गुना तनख्वाह हो गया। 35 साल पहले सर हम जो KVP NSE सभी यहाँ ग्रामीण वर्ग से होंगे और एक एक पैसा जमा करते हैं किसान विकास पत्र और ये किसान विकास पत्र वगैरह। हाँ। तो पहले हम लोगों को सर 2% कमीशन मिला करती थी जब हम लोग शुरू में पोस्ट ऑफिस में। हाँ। 35 साल पर आज सर 89 में आज सर घटाते घटाते 0.5% कमीशन कर दिया गया है, और वो भी सर बहुत सारे स्कीमें से एजेंटों को कमीशन हटा दिया गया है। तो इसके चलते सर 5 लाख हम अभिकर्ता हैं पूरे देश में जो कि आज भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जी सर जुड़े हुए हैं। जी जी जी, कर्मचारी नहीं है। नहीं नहीं सर, हम कर्मचारी नहीं है, एजेंट हैं, अधिकृत एजेंट हैं। तो सर 5 लाख हमारा एजेंसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अमरजीत कुमार श्रीवास्तव हुआ सर। अमरजीत जी जी, अमरजीत जी आपके साथ पूरी सहानुभूति है, होनी चाहिए, कुछ सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे तो एक चीज और याद आती है, जब मैं गया इस बार किसी काम से पोस्ट ऑफिस, कुछ का पत्र भेजना था और वो पोस्ट ऑफिस के मार्फत ही भेजा जा सकता है, तो जब गया तो वो पोस्ट ऑफिस ही नहीं था वहां पे। अब पोस्ट ऑफिस नहीं था, लोग अब एक दूसरे को चिट्ठी भी नहीं लिखते, क्योंकि वो अब तो सब ये है ना, सारा खेल इसका है। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूँ। निश्चित तौर से ये मुद्दा विचारणीय है, विचार होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, वो जमाने लद गए, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि पत्र भी लिखे जाते थे या चिट्ठियां डाली जाती थी, चिट्ठियां पहुंचती थी। अब ना तो चिट्ठियां आती हैं,
ना तो कोई चिट्ठी डालता है। और पोस्ट ऑफिस मुझे तो लगा जब मैं पहुंचा वहां कि साहब यहां तो एक पोस्ट ऑफिस था, बोले साहब वो पोस्ट ऑफिस जो है दूसरे पोस्ट ऑफिस में मर्ज कर दिया गया है। तो नाउ यू हैव टू गो टू दैट प्लेस। जी जी हाँ जी, जो नौकरियां दी जाती है सर आज भी पोस्ट ऑफिस के पत्र द्वारा ही नौकरियां मिलती है। जी हाँ बता दो बेटा बता दो बता दो। अभी 5 मिनट पहले सर मेरा पर्स निकल गया यहाँ से और मेरे पास सर जाने का भी किराया नहीं है। मैं प्लीज कहता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो अपना पर्स अपना मोबाइल प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज अपना मोबाइल अपना पर्स प्लीज प्लीज बहुत बहुत ध्यान से रखिए। कहाँ जाना था तुम्हें बेटा? सर मेरे को हिसार जाना है। हिसार कितना किराया है? 135 रुपया। तू मुझसे ले लो आज कश्मीरी गेट से, तू मुझसे 200 रुपया ले लेना, मुझे शो कर लेने दे, बस ब्रेक में पैसे 200 ले लेना, लेकिन बाकी सारे लोग ये ना कह देना बाद में कि मेरे भी पर्स गायब हो गए, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि सबको 200 रुपया दूं। और ये ना हो कि मतलब ये 200 रुपया देते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। तो त्रिपुरा की रैली में गृहमंत्री ने ये बोला। डिबेट का आगाज करता हूं सबसे पहले प्रेम कुमार जी। जी मैं आपकी अंदाज में बोलूं, चुनाव आ गया त्रिपुरा में, चुनाव आ गया, रामलला का ध्यान आ गया। हर बार रामलला ख्याल आते हैं जब चुनाव आता है। अभी त्रिपुरा में, नागालैंड में, मणिपुर में, सब जगह हारेंगे, इसी डर से इनको रामलला का चुनाव गजब है भाई, गजब है। आ गया आ गया आ गया आ गया। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं यहीं पे आया हूँ। हाँ नहीं आए तो हैं। जी मैं मुझे घर जाना है सोनभद्र यूपी। हाँ जानता हूँ सोनभद्र दूर है भाई। जी तो कै बजे ट्रेन है? 8:15 बजे है। 8:15 बजे ध्यान से चले जाना, थोड़ा आधा पौना घंटा, चलो आधा पौना घंटा पहले स्टेशन पहुँचा जाता है, ये तमाशे के चक्कर में न फंसना है ना कि ट्रेन छूट जाए। अरे सर नहीं, मैं यहाँ से 7 बजे निकल जाऊंगा। निकल जाना बिल्कुल। नहीं बिल्कुल निकल जाऊंगा, बस आपको लाइव टीवी पे देखता हूँ, अभी लाइव सामने देख रहा हूँ इसलिए देख। अच्छा तो मुझको भी देख लो, मेरे बाल भी देख लो, मेरी आवाज भी देख लो, सब सारी चीजें। आया जनाब आली जी। धन्यवाद प्रतीक जी, मैं सदैव बोलता हूँ वंदे मातरम, आज बोलूंगा पूरे देश के लिए जय श्री राम। देखिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को लगातार मजबूत कर रही है, लेकिन धर्म हमारा आस्था का विषय है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, और आज वो चरितार्थ होने जा रहा है। 500 साल के संघर्ष के बाद 1 जनवरी 2024। मुझे कल किसी ने कहा कि भैया जी वो जो कुर्ते वाले आते हैं ना, जो कलरफुल कुर्ता पहनते हैं, आपकी तो आवाज झेल सकता हूं लेकिन वो बहुत तेज बोलते हैं, आसान से कहे जाने वाले मुद्दे को भी बहुत तेज चिल्ला के बोलते हैं। मैंने कहा उनकी स्टाइल है जी। जवाब जवाब ना 2 करोड़ लोगों का रोजगार बताएंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना रुक जाइए सब्र करिए, ना भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, 1100 रुपए का सिलेंडर जो है उस पर बात नहीं करेंगे। अरे सब्र कर लीजिए साहब, सब्र कर लो थोड़ा सा, सब्र जानते हैं ना, सारे धर्म में बताया गया सबसे ऊंची चीज है सब्र। जी जी और 9 राज्य के अंदर चुनाव है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? एक बात बताइए जवाब, मैं बताऊं, लोग कह रहे थे मैं अक्सर बोलता हूँ 10 10 10, तो मैंने अपनी रिसर्च टीम से बोला कि तुमने 10 क्यों बोले थे, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। हाँ जम्मू कश्मीर में हो सकते होंगे नहीं होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो 9 राज्य के चुनाव और 2024 का चुनाव है, और भारत जोड़ो यात्रा का असर साहब ऐसा है कि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा, फिर से राम जी की शरण में जाने वाले हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई का क्या होगा उस पर कुछ नहीं होने वाले। देखिए प्रतीक जी, बेरोजगारी की जो बात ये कर रहे हैं और बार बार 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर 36 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के माध्यम से स्वरोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध हुए हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जब बात भाई से, अरे बच्चे पैदा कम करना शुरू कर दो। गजब बदतमीजी है,
आपको तो पता नहीं, मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए हिसाब से तो ये बदतमीजी है। बहस चल रही थी, बच्चे कहाँ से आ गए? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चार, ये बीजेपी के, ना ना ना, ये बीजेपी की, ये बीजेपी की, ये बोलिए ना, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये लोग कहते हैं, देखिए बहुत पट्टी की कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं, देखिए कड़वी बात, देखिए मेरी बात सुनिए, योगदान क्या है इन लोगों का, मैं पूछना चाहता हूँ, देश के टैक्स सिस्टम में क्या योगदान है, केवल सब्सिडी चाहिए इन लोगों का। गजब है भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप जनसंख्या नियंत्रण बिल के बारे में बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलिए, कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन बोलने का तरीका भी तो रखिए, ऐसे ना बोलिए। और आप पूछते हैं कि क्या योगदान होगा, नींव से पूछ रहे हैं कि बता तेरे अंदर कितनी ईंटें लगी हुई हैं, आपकी पैदाइश से पहले ये देश था, रहा और रहा था, लेकिन ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, हर आदमी से, आप हर आदमी से, आप हर आदमी से पूछेंगे आपका योगदान क्या है। जी जनाब जी, देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है और ये बिसात बिछाना शुरू उन्होंने कर दिया, क्योंकि इन्होंने, बीजेपी वालों ने, अब इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, जो भी बातें इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में 2014 में, एक भी नहीं हुआ, काला धन आया नहीं, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, ना घर सबको मिला, ना उसमें जल मिला, ना LPG मिली, जो भी सिलेंडर की बात कम करने की बात कर रहे थे 400 रुपए की, वो 1100 रुपए से ज्यादा का हो गया, गरीबों की बहुत दुर्दशा है, किसानों से कहा था कि आपकी आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ, अब ये क्या है, ये बिसात बिछाना चाहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, वही हाकिम वही गुर्बत, वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही गाजिब, पूछता हूँ कितने साल में भारत का हाल बदलेगा। सत्ता में तो आप भी थे भाई, पहले भी रहे सत्ता में, जनाबे आली हुजूर आइए। देखिए राम मंदिर आंदोलन से न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना, न कांग्रेस का, ये आंदोलन तो स्वर्गीय अशोक संघल VHP ने शुरू किया और कई और संगठनों ने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया, तब तो भाजपा बनी भी नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन पहले से चल रहा है, और डिस्प्यूट पर आप जाएंगे तो और पहले से चल रहा। जब शिरे की बात आती है, थोड़ा सा हमको कष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी शिरे लेने से क्यों कतराती, शिरे उनको भी मिलना चाहिए, और उन्होंने काम किया है इस आंदोलन में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कांग्रेस ने। देखिए सबसे पहले भारत के लोगों ने सार्वजनिक रूप से जाना जब वहां शिलान्यास स्वर्गीय राजीव गांधी ने जाकर किया, अब पता नहीं क्यों ने शिरे लेते हैं। उसके बाद उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, कांग्रेस की सरकार थी, निगरानी थी, तो शिरे क्यों नहीं ले रहे हैं। जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसमें देश के लगभग सभी वर्गों को मैंने मैनेज करने की पूरी कोशिश की गई कि सबके आस्था का भी ख्याल रखा जाए, कंपनसेशन कहें, कुछ भी कहें, मस्जिद की जमीन भी दी गई, सब कुछ हुआ। उस दिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया था कि ऐतिहासिक दिन है, और उस दिन केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया था ऐतिहासिक दिन है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, समझ गए क्या? अगला शेर भी बता दें। ये जो चिलमन से लगे बैठे लोग हैं, इधर चिलमन से वो झाके, अरे लगा दे आज चिलमन में ना ये झाके, साथ मिलकर चले ऐसी राह चले जिससे खुशहाली।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक आदमी कार्बाइन से हवा में गोलियां दागता दिखाई दिया, जिसे देख करके मौजूद लोग वहां सहम गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेती दिखी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। आदमी गंगा के पुल की दीवार पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा, पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे बनी एक इमारत को जमींदोज किया गया। जर्जर इमारत को कार्रवाई के पहले 15 दुकानों को नोटिस देकर खाली कराया गया था। बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़का देसी कच्चे से फायरिंग करता दिखाई दिया। लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मामूली विवाद में लड़कों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर थैंक यू सो मच। गांधी जी का प्रिय भजन, जिससे सेकंड ब्रेक के बाद आपने शुरुआत करी। ठंड मुझे मालूम है बहुत ज्यादा है और खड़ा करना मुश्किल है यहाँ पे आपको, लेकिन फिर भी मैं बातचीत कर लेता हूँ आपसे। कहाँ है, कहाँ से आया? ऐसे तो हम रहने वाले बरगिनिया प्रखंड डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बिहार से हूँ, लेकिन रांची से चलकर पर्सनली आपके साथ एक सेल्फी लेने आया हूँ। बस गजब इंसान है, गजब इंसान है। अब तो सेल्फी लेने आए? बस सेल्फी लेने आया हूँ। अरे मेरे इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बैठी हैं, राम है, सीता है, इसमें लक्ष्मण है, देखिए। कल बोला सब लोग हैं, राम है, सब में राम है, और अगर किसी को राम नहीं दिखते हैं तो बहुत गलत बात है। सब लोग राम जी जी, लेकिन यहाँ बैठे माननीय लोगों की बात सुनकर, हमारे जितने माननीय बैठे हैं इनकी बात सुनकर मुझे कुछ कहने के दिल कर रहा है। हाँ कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ना सर, रिक्वेस्ट है हाथ जोर से आप सब लोग से, सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आप पॉलिटिक्स करो, दिल खोल के करो, एक किलो नहीं है क्विंटल करो, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म को मत बेचो, धर्म के नाम पर देश को मत बांटो। सीतामढ़ी के, सीतामढ़ी से है, सीतामढ़ी से क्या बात है। सीताराम सीताराम, राम राम सीता सीता जी। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से आपके पास आते रहते हैं। हरिद्वार से हमारे पास आते रहते हैं, गंगा जल लेके आया करो जब भी आया करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरत है गंगा जल की। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, और तुमको सजा मिलनी चाहिए, और मुझे तुम्हें हफ्ते भर के लिए बैन करता हूँ तुम्हें। जी बोलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। कि मुझे ये जानना है कि मोदी जी इतनी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर, तो जनरल कास्ट की महिलाओं के लिए वो इस समय क्या कर रहे हैं? जनरल क्लास की जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जब ओवरऑल महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, तो उसमें आप खास तौर से जनरल क्लास की महिलाओं के बारे में अलग से बात करना चाहिए? बिल्कुल सर, इसलिए बात करना चाहता हूँ, जैसे बिहार स्टेट ने 35% आरक्षण दे रखा है, ठीक है, क्लासिफाइड तरीके से, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को कब लागू करेगी? जो हमारी महिलाएं हैं जो परेशान हो रही हैं, जो इधर उधर भटक रही हैं, उनके लिए क्या रास्ता निकलेगा, इसके लिए क्या सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मुझे सोच। ये सवाल इन्होंने रखा, ऑफकोर्स ये सवाल आगे डिस्कस होना चाहिए, मैं इस पे जरूर निश्चित तौर से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। मैं जो कहता हूँ मैं वही करता हूं, मैं तुमने ये मत सोचना कि ये जो यहाँ बैठने वाले लोग हैं वो हूं मैं। अगर एक हफ्ता बोल दिया तो वो ढाई महीना कर दूंगा, मैं पूछूंगा नहीं तुमसे, चुपचाप खड़े रहना, एक हफ्ते बाद नंबर आएगा। आज कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार, शुक्रवार है, शुक्रवार है। और दूसरी बात तमाशा करोगे भगा दूंगा। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? मैं तो राजस्थान नागौर, राजस्थान नागौर से आए हैं। बिहार से है ना? दूसरे में थाली में कूदने में आपको मजा आ रहा है, खड़े रहिए चुपचाप। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो अमीश जी को बोलना चाहता हूँ, आप जिस तरह से पत्रकारिता करते हो और जिस दबंगई से करते हो, आप कभी पीछे नहीं हटना। अभी दो चार दिन पहले मैंने सुना था उनका, वो किसी नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूँ नेता का, तो उसके साथ में बहुत अच्छी बहस की थी उन्होंने, बहुत अच्छी बेइज्जती करी, बहस की थी, बहस की, बेइज्जती नहीं करते, बहस की, वो कभी बेइज्जती नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे सहयोगी हैं अमीश देवगन जी, और उनकी तारीफ करना चाहते हैं आप, आपने तारीफ करी,
मैं वहां तक तो बात पहुंच जाएगी, और नहीं पहुंचोगी तो मैं पहुंचा दूंगा आपके पास, जरूर पहुंचाऊंगा और पहुंचाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई किसी के बारे में कुछ अच्छा कहे तो जरूर पहुंचाना चाहिए। आप अभी तक रुकी हुई हैं, हैं? मुझे लग रहा था कि आप चले गए होंगे। एक बात ये कहना थी कि मंत्री मिनिस्टर की दो दो तीन तीन पेंशन हैं, तो अगर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दे रहा, या तो सब समानता का व्यवहार करें, संविधान में सबको समानता है, तो फिर वहाँ दो दो तीन तीन पेंशन लागू है। हम सरकार के समर्थक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस मुद्दे पे सरकार को जरूर ध्यान देना, इस मुद्दे पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? जी मैं असम से हूँ। असम से? असम में कहाँ से? बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? राजश्री। राजश्री, राजश्री इधर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाए क्योंकि कैमरा थोड़ा सा नहीं कैच कर पाएगा आपको। जी कुछ कहना चाहती, कैसे आना हुआ इधर? मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने आई हूँ। मम्मी पापा यहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं रहते, पालिका बाजार आए थे घूमने, तो उनसे मिलने आ गए। अच्छा, उनसे मिलने आ गए, तो यहाँ बीच में आके यही दिखा तो रुक गए गाना सुनने के। मम्मी पापा कहाँ, यहाँ हैं? पास ही होंगे, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो मैं आवाज तो ना लगाऊंगा कि मम्मी पापा कहीं हो, आ जाओ? नहीं हो जाएगा ना, यू विल मैनेज। क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पॉल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। तो दिल्ली आती रहती हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहते हैं? ऐसा कुछ खास नहीं, बस मजा आ रहा है। बस मजा आ रहा है, यही बस बढ़िया है देश में। बोले साहब सबसे अच्छी बात, मजा आ रहा है। हरिद्वार वाले मजा लेते रहिए, बस बहुत अच्छी बात है। और भैया आप कहाँ से? इधर आओ। अरे गुरु, अंदर आ जाओ, अंदर 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 आ जाओ। ये कितना है, कई किलो है? अभी तो तोला भी नहीं है। अरे बाप रे बाप, अच्छा ये तो काफी, कहाँ से है? कानपुर से। मैं समझ गया था ये कानपुर का मामला है। कानपुर वालों को तोल नहीं पाएंगे क्योंकि ना ना भैया, पूरी दुनिया में अगर मैं घूम के, पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ, लेकिन मैं कानपुर के सामने जाके नतमस्तक हो जाता हूँ। आवाज सुनी तो मैं कानपुर से यहाँ तक चला आया। हाँ हाँ, ये झूठ बोलने बड़े माहिर है, झूठ बोलने में बड़े माहिर, बात बताने में बड़े माहिर, बात फंसाने में बड़े माहिर, और तो और उनकी मिठाई में भी ठगी है। उनकी मिठाई में भी ठगी है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी की, वो भूमि है और उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने उस जगह से, उस भूमि से। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कितने लोग आए कानपुर से? जी बहुत, ला लिमली का मुद्दा याद है मुझे। जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कानपुर का ऐसी मिट्टी है जिसकी मिठाई में भी ठगी है, और मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसके उसकी उसकी भूमि को प्रणाम करता हूँ। और मुझको याद उसको गणेश शंकर विद्यार्थी से रहता है। मैं बहुत बहुत नमन, लाल इमली का मुद्दा मुझे याद है, लाल इमली का कष्ट, लाल इमली के मजदूरों की प्रॉब्लम, और मुझे बार बार वो आप सचेत भी करते हैं जब भी आप आते हैं, और मुझे आपकी शक्ल भी याद है। मुझे निश्चित तौर से लाल इमली के मिल के बाहर शो करना है, ये मेरा वादा है। जी बातचीत के सिलसिले को मैं एक बार फिर से जोड़ना चाहता हूँ। जी जनाब, देखिए अभी जो भैया कह रहे थे बिहार से, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो राजनीति है वो धर्म के तरह होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जो आपने वादे किए वो करें। हाँ, आप राम का नाम लेते हैं तो राम से सीखिए भी कि हमें शासन चलाना कैसा है। जब राम राज्य था तो ऐसे थोड़ा ही था कि विद्वेष की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो। जब राम राज्य था तो होता था कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति। सुनिए, नहीं कोई दर्द दुखी न दीना, नहीं कोई अबोधना लक्षण हीना, ऐसा राम राज था। तो वहाँ पर राम राज की जो परिकल्पना है भगवान राम की है, तो राज वैसा चलना चाहिए, किसी को ना लगे कि ये सरकार मेरे साथ भेदभाव कर रही है। तो सरकार जो वादा किया है उनको, अगर राम के भक्त हो तो अपने वादों पर अटल रहिए। और जनता से वादे किए, और जनता से वादा तो ये भी किया था। देखिए भैया जी, आज इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कम से कम समाजवादी पार्टी, जो लोग राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे और स्टेज पर खड़े होकर उसकी बात करते थे, जिनकी मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, किसानों पर गोलियां चलवाते थे। आज कम से कम लोग, अरे नहीं, आज लोग सिर्फ
भाई अंग्रेजों के आप ही लोग थे जो मुखबिरी करते थे, ये फिर अच्छा ये सबको मालूम है ना कि कारसेवकों पर गोलियां किसके कार्यकाल में चली। नंबर एक। नंबर दो, क्या गलत कहा? यही लोग कहते थे सारी विपक्षी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। सुन लीजिए, आज वर्तमान सरकार में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि भगवान राम काल्पनिक हैं? एफिडेविट देने वाले लोग, बयान देने वाले लोग, पैरवी रुक जाए, कौन लोग थे? और तो और, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि भैया वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं दिखा तुम्हें? आपको उज्जैन महाकाल नहीं दिखा? आपको शंकराचार्य जी की प्रतिमा नहीं दिखी? आपको रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा नहीं दिखा? आपको चारों धाम को जोड़ने वाली परिक्रमा मार्ग नहीं दिखा? तो कैसे दिखेगा? क्योंकि तुष्टिकरण का चश्मा, तुष्टिकरण का चश्मा हो रखा था। अब सुनिए, आंकड़ों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सुनो, सुनो, ये देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था गरीबी हटाओ, और जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया उस दिन महंगाई दर 8.333 2014 में, आज इनसे पूछो कितनी है बताएंगे? बताओ ना। एक। नंबर दो, अरे सोचो ना, शौचालय बेसिक आइडिया नहीं था, सोचो, घर घर में नल नहीं था। और तो और, ये बात करते हैं, आज 1.24 करोड़ पीएम आवास शहर में बन चुका है, 2.4 करोड़ गांव में बन चुका है। और सुनो, और तो और, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन देख लो, एम्प्लॉय, अरे देखो तो, देखिए बहुत सारी इन्होंने बात कर दी, कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन गया, क्या बताएंगे जो जितने लोग युवा खड़े हुए हैं, क्या उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने ये बात क्यों नहीं की किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और सुनो, जो मुखिया होता है, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को एक, ये विभेद नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, मैं वैसे राजनीति बातें नहीं पूछूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक कहाँ थे जब मेरे राम त्रिपाल में थे? अब तक कहाँ थे जब मेरे राम त्रिपाल में थे? आज मेरे राम का घर बन रहा है तो आज आप सब निकल कर आ रहे हो? आज राम का घर बन रहा है तो आप निकल कर आ रहे हो? एक मिनट का समय लूंगा और कुछ पंक्तियां मैंने नोट लिखी हैं। कभी 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 भी हैं? नहीं, मैंने आज अपने दिल से नोट करी हैं। नोट करी हैं, लिखी हैं? लिखी हैं, लिखी हैं, सुनाओ। कि भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे, और मोमिनों ने पंडितों को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। ये कहा, ऐसी कविता लिखते हो तुम? है मारा मेरी, आराम से तो मैं तीसरी सुन लूंगा, तीसरी चौथी तभी सुनूंगा जब तीसरी में दम होगा। बिल्कुल होगा दम। तीसरे में सुनाओ। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, पीओके में चांद सितारा, पीओके में चांद सितारा, अब ये भारत जोड़ेंगे, सरदारों का खून बहाया कांग्रेसों के गुंडों ने, घायल है मेरा गुरुद्वारा, घायल है मेरा गुरुद्वारा। इतना इतना आज काफी है, मैंने कहा था तीसरी अच्छी होगी तो चौथी सुनूंगा, लेकिन तो पांचवी छठी के बाद नहीं, बस जी आया। हाँ जी, हाँ बोलो जी। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज बेरोजगारी पे बात हो रही है जी, आराम से, नहीं मैं पक्का, ये जो रोज आके आसन बजा के बैठ जाते हो ना, चुपचाप बैठो जी। बेरोजगारी और राम राज्य की बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि जो अब तक जो 62 साल या 61 साल जो सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को दोष देने से बेहतर ये होगा कि हम सबका भी बहुत सारा कर्तव्य होता है जो इस देश के प्रति होता है, वो सभी को पालन करना चाहिए। अभी रामराज की बात हो रही थी तो मैं ये जब पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा कि रामराज ने, किसी ने अपने मन के विश्वास को रखा था, आगामी दिनों में रामराज जरूर आएगा क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी के कार्य
पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। मैं उन सभी से बोलता हूँ, एक सामान्य छोटा सा चीज बोलता हूँ, पहले एक साइन करने के लिए गेजेटेड ऑफिसर के लिए दर दर हम लोग घोटते थे, ढूंढते थे। आप पश्चिम बंगाल से? जी मैं पश्चिम बंगाल से, कल फिर आया। बोलिए बोलिए। तो मोदी जी का एक छोटा सा सहयोग, एक छोटा सा आदेश जो पालन किए उन्होंने कि गेजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं होगा, अपना हस्ताक्षर खुद करो, ये आधार कार्ड को संपूर्ण रूप से हर चीज से लिंक करना, सामान्य लोगों के जीवन को बहुत बदलाव हुआ है। इसे समझना होगा हमको, क्योंकि आगे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ देखा है जो अब बदलाव के रूप में आया है। ये वो देश है। एक मिनट होल्ड ऑन जी। देखिए आधार जो था नंदन नीलकर्णी ने दिया था और नरसिम्हा राव जी ने इस आधार की परिकल्पना रखी थी, और मोदी जी ने कहा था कि आधार मर जाऊंगा पर आधार नहीं लागू करने दूंगा, और इसको आज लागू करवा दिया गया। अगर आज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात हुई थी तो ये भी मनमोहन सरकार का था, पर इसको इन्होंने कहा था आधार ही नहीं लाऊंगा, आप पूरे चुनाव लड़ा था किसी को कागज नहीं दिखाना होगा, और यही मोदी जी सीएनआरसी में कागज मांग रहे हैं, जबकि 40% 50% लोग भूमिहीन हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो दलित बैकवर्ड तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी कागज नहीं है। जी मैं भारतवर्ष को बंटवारे की बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी समाज किसी धर्म को बांटने की नहीं बात करता हूँ, क्योंकि ये भारतवर्ष सभी को मिलकर बना है। मैं एक बात जरूर ये बोलूंगा कि भारतवर्ष का हम सभी के साथ एक आधार है जिसकी पहचान है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, ये जो सरकार है भविष्य में हर उनको हर चीज पे सामने आकर बात करेगी। अभी दो दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे नोटबंदी पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ठीक राइट जनाब जब्बा। देखिए क्या है, अभी मैं जितने लोगों की यहाँ पे बातें सुन रहा था उनके जो बेसिक मुद्दे हैं, किसी की ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन जो लोग ये आवाज नहीं सुनना चाहते, नहीं पसंद करना चाहते, उनको सिर्फ धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति चलाने में अपना ज्यादा मजा आता है। बनिस्पत इसके जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं उनकी तरफ हम जो है रुजू कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है सिर्फ जो, अरे 70 साल नहीं साहब, 70 साल हो गए ना, महंगाई के ऊपर लोग चर्चा चाह रहे हैं, ना बेरोजगारी के ऊपर चर्चा चाह रहे हैं, और जिन लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने स्लोगन दिए थे 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कौन सी सरकार, तो जवाबदेही उनकी तय करी जाएगी, ना कि विपक्ष की तय करी जाएगी। मौलाना जी। लेकिन मैं आज चूंकि विषय जो है वो महत्वपूर्ण विषय है। हाँ मैं आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? रोहिणी से ही आई हूँ। सब ठीक तो है? हाँ, सब सही है। अयोध्या से हैं, लास्ट तक मैं अयोध्या तक देखा, जहाँ वो रामसेवक मारे गए थे वहाँ भी गई थी, तब मैं उस समय यही थर्ड ईयर वर्ड ईयर में पढ़ रही होंगी, थर्ड ईयर में। हाँ जी, तो मैंने देखा था वहाँ कैसे। हाँ, वो वर्णन वर्णन तो सबको दिमाग में है। तो आज कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं रोहिणी में इतने दिन से रह रही, 3 साल से सब खुदा पड़ा हुआ है, कब वो सही होगा? हाँ ये जा, हाँ ये मुद्दा आप रखिए, ये वाला मुद्दा रखिए, यही मुद्दा रखिए आप। हाँ जी, आपका नाम हो गया? मेरा अनीता पांडे। हाँ अनीता पांडे, कहाँ वहाँ, वो तो सब लड़ रहे हैं, वो सब बताएंगे, लेकिन ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट। रोहिणीपुरा खुदा पड़ा हुआ, रोहिणीपुरा खुदा पड़ा, रोहिणीपुरा खुदा हुआ। हाँ बोला ना, संवेदनशील विषय है, संवेदनशीलता का प्रकट भी होना चाहिए। एक बात बार बार उठती है कि राजनीति में धर्म, राजनीति में धर्म। मैं कहता हूं ये धर्म प्रधान देश है, अधर्मियों को राजनीति से बाहर कीजिए, जो लोग धर्म छुपाते हैं उनको राजनीति से बाहर कीजिए, जो लोग गर्व से अपने धर्म का नाम नहीं लेते उनको राजनीति से बाहर कीजिए। यदि यदि हिंदू होना गर्व की बात नहीं है, सेकुलर होना गर्व की बात है, या हिंदू सेकुलर नहीं हो सकता ये दर्शाना है, तो उनको भी राजनीति से बाहर कीजिए। ये प्रचलन खत्म होना चाहिए। शुद्ध राजनीति और शुद्ध धार्मिक दोनों होना है। क्या आप संसद भवन में जाकर राम का नाम नहीं ले सकते, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, अपने आराध को याद नहीं कर सकते? मतलब संसद भवन के गेट पे सारे धर्म को उठाकर फेंक दीजिए बाहर। ये कौन सी राजनीति आप शुरू कर रहे हैं साहब? इसका मतलब अधर्मियों का आप जमावड़ा चाहते हैं जो भारत स्वीकार नहीं करेगा। मैं इनकी बात का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपने धर्म को मानिए, खूब मानिए, लेकिन राजनीतिक लोग जब यही काम करने लगे तो उसकी आड़ में छुप करके अपने जो पाप है उनको छुपाने का काम किया करें। रावण भी जब सीता हरण करने गया था उसने साधु का वेश बनाया क्योंकि उसमें छुपा, तो धर्म में तो ये लोग हैं।
हम तो ये कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ जो जो इसका मालिक है, जो हाकिम है, जो देश का प्रधानमंत्री है, मैंने कहा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जो सभी अंगों का। अरे तुलसी को बोल दिया उसके बाद बोलना रह नहीं जाता। हाँ ये देखो, ये आज विवेक की बात कर रहे हैं, इससे पूछो घोषणा पत्र में एक विशेष समुदाय को आरक्षण देने की बात किसने की, मुकदमा वापस लेने के लिए एक विशेष वर्ग की बात किसने की, तब धर्म नहीं था जनाब? देखिए यहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है तो लोग कहते हैं, पूछते हैं कि देश 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 जो है अलग कब टूटा, कब था कि जोड़ रहे हैं। आज जब बाद भाई और मैथिल जी जब बात करते हैं तो पता चलता है तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यहीं पर देश बटा हुआ है, यहीं जोड़ने की जरूरत है। धर्म जो है ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि धर्म जो नहीं मानता ये धर्म प्रधान देश है। अरे धर्म एक अफीम है, देखो नशे में डूबे हैं लोग, धर्म एक बात है। ये देखिए, ये देखिए, ये जिन्होंने वामपंथी जिन्होंने पूरा निचोड़ रखा है। देखिए प्रतीक जी, आज का विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर था, हमें याद करना चाहिए उन हजारों राम भक्तों को जिनको गोलियां मार मार के समाजवादी पार्टी की ये सरकार ने सरियों में बांध बांध के फेंक दिया, उन कोठारी बंधुओं को याद करना चाहिए। इन पर कोई मुद्दा नहीं, कोठारी में गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में बता रहा हूँ मैं इसी की बात। मुझे कभी 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 मुझे लगता है जनता बिल्कुल तय कर देती है किसको क्या करना है। वो उसने नोट कर लिया बाबूजी, अपनी डायरी खोली सर, अगर कैमरा ना हो ना नोट कर भिड़ जाए, कैमरा ना हो ना, और गुत्थम गुत्थी करना। और मुझे कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि जनता कितना सीखती है, इस लड़के ने बहुत सीखा, बहुत बहुत विनीत हो गया है, बहुत सभ्य हो गया, पहले बहुत उछंगल था ये, अब देखो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। हाँ सर, मेरा नाम ब्यूटी रॉय है और मैं सॉरी क्या नाम है, मेरा नाम ब्यूटी रॉय है जी।